एवरीवन, श्रीधरी किचन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड हलवा। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं मैंगो कस्टर्ड हलवा। उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1.5 कप मैंगो पल्प। इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। ये 1.5 कप हमारा मैंगो पल्प है। अब मैं इसे ग्राइंड करने जा रही हूँ। अब एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी, ये है 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर, मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये 1/2 कप है। अब मैं इसमें डालूंगी मैंगो पल्प जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है, बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट है। अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं यहाँ डालूंगी पानी, जो कि 1/2 कटोरी पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे गैस पे चढ़ाऊंगी। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी 10 मिनट तक। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करूंगी 10 मिनट तक के लिए। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें मिक्स करूंगी 1 टेबल स्पून, ये गाय का घी है, 1 टेबल स्पून घी मैंने इसमें ऐड किया है और मैं इसे अब लगातार चलाती रहूंगी। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काजू। ये मेरा तैयार हो चुका है, रेडी हो गया है। ये पैन को छोड़ रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने एक मोल्ड के ऊपर बटर पेपर डाल दिया है। मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है घी से। अब मैं इसमें इस बैटर को ट्रांसफर करूंगी। मैंने इसे इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा टैप कर लूंगी अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूंगी, ये हमारा पिस्ता है, इसमें मैंने चॉप्ड करके पिस्ता डाला है, ये मैंने बादाम डाला है और ये मैं थोड़ा सा काजू डाल देती हूँ। अब मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये सेट हो जाएगा तब मैं इसे पीसेस में कट कर लूंगी। 3 घंटे हो चुके हैं, ये मैंगो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मैंगो वनीला हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल कट जा रहा है। आप चाहे आपके पास यदि प्लेट हो, आप अपने घर की प्लेट में भी निकाल के, या ट्रे हो, आप उसमें भी रख करके इसे रख सकते हैं, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो लीजिए, अब तैयार है हमारा मैंगो कस्टर्ड हलवा।
इस हलवे को खाएंगे आप तो आप सारे हलवे भूल जाएंगे। ये खाने में जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही ज़्यादा खाने में ये स्वादिष्ट है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।